सोशल मीडिया पर बुलेट रानी के नाम से फेमस शिवांगी डाबास को बीते दिनों महिला पुलिसकर्मी से अभद्रता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अब उन्हें जमानत मिल गई है। उन्होंने जेल से बाहर आते ही अपनी आपबीती सुनाई, जिसमें वह फूट फूट कर रोने लगी और कहा कि पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। वहीं उन्होंने वीडियो में बताया कि रॉन्ग साइड में एक महिला पुलिसकर्मी से गाड़ी के टक्कर के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वे गाड़ी से अपने कैमरामैन के साथ वापस लौट रही थी। उसी दौरान एनटीआरएफ रोड पर एक महिला पुलिसकर्मी भी स्कूटी से रॉन्ग साइड आ रही थी, जिसमें टक्कर हो गई। कई बार माफी मांगने के बाद भी महिला पुलिसकर्मी नहीं मानी और दोनों में नोकझोंक हो गई। फिलहाल 3 दिन जेल में रहने के बाद शिवांगी अब जेल से बाहर आ गई है। गौरतलब है कि बीते दिनों शिवांगी डाबास को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। उन पर महिला पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई करने का आरोप लगा था, जिसके बाद महिला आरक्षी ने शिवांगी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। वहीं पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। वे अपने वीडियो में लगातार पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा रही है। सारी चीजें कि मैं स्टंट करती हूँ, बाइक चलाती हूँ, वो एक अलग चीज है। बाइक चलाना या कुछ भी करना वो मेरी पर्सनल लाइफ है। आज तक किसी को चोट नहीं पहुंचाई, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, ठीक है। अगर कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा, आपके साथ तक झेलोगे। मैंने तब भी उनकी सिर्फ वीडियो बनाई क्योंकि वो वर्दी में थी। अगर वो आम आदमी होती तो शायद मेरी तरफ से भी कुछ होता, क्योंकि उन्होंने हद से ज्यादा बदतमीजी करी। उसके साथ पुलिस वाली भी, उसकी फ्रेंड थी, उसने बोला। मैंने कहा सच में मैंने थप्पड़ मारा था, उससे भी पूछा, कहती हाँ मारा था। मैंने कहा बच्चा है आपके, कहती हाँ। क्या नाम है उनका, ज्योति शर्मा, कि हाँ है। मैंने कहा जरा कसम खाना कि मैंने आपके मारा था। कुछ सेकंड वो शांत हो गई, उसके बाद कहती है कि हाँ तूने मारा, अपने बच्चे की कसम। मेरा सर वहीं झुक गया था, जो अपने बच्चे की झूठी कसम खा सकती है। मैंने तमाचा मारा नहीं मारा, मुझे पता है मैंने नहीं मारा, तुम्हें पता है मारा नहीं मारा। जो वो ऊपर वाला तमाचा मारता है ना, वो वक्त बताएगा। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब शिवांगी विवादों में रही हो। वो इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव है, उनके करीब 3.36 लाख फॉलोअर्स हैं। कुछ वक्त पहले शिवांगी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे बगैर हेलमेट खतरनाक तरीके से बुलेट ड्राइव करते हुए और कंधे पर बंदूक टांगे हुए दिखाई दी थी। ऐसे कई वीडियो हैं जो शिवांगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाले हुए हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वीडियो के आधार पर उन पर करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा के चालान कर चुकी है। आए दिन शिवांगी विवादों में रहती हैं। फिलहाल के लिए वो अब जेल से बाहर आ गई हैं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए गाजियाबाद से संवाददाता नितिन कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी हमारी ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।